तो बात चुनाव की कर लेते हैं। कर्नाटक में चुनाव नजदीक हैं और राज्य में मुद्दे कई हैं जिन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, और इन्हीं मुद्दों पर हमने वहां के लोगों से राय भी ली, जिनसे बात की हमारे संवाददाता सुभाष शिर्के ने। जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा 8वां राज्य है कर्नाटक, और इस कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं। 12 मई को चुनाव है और इस कर्नाटक के उत्तर कर्नाटक इलाके में हम इस वक्त हैं। बेलगांव में हमारी ये ट्रेन जो है वो निकली है, मीरठ से लेकर हुबली तक ये ट्रेन जाती है, और हाँ अभी अभी इस ट्रेन ने बेलगांव रेलवे स्टेशन जो है वो छोड़ा है। हम इस यात्रा में बात करने वाले हैं यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ ही कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बारे में, उनके क्या मुद्दे हैं, इस चुनाव में किस तरह की चर्चा होनी चाहिए। और हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताइए कि बेलगांव के इस चुनाव में या कर्नाटक के इस चुनाव में सबसे बड़े अहम मुद्दे क्या है? डेवलपमेंट ये मुद्दा है, विकास का मुद्दा तो होना ही चाहिए। ये मुद्दे के बाद में यहाँ पे कर्नाटक में जो जातीयता के मुद्दे बढ़ाए जा रहे हैं, लिंगायत श्रेष्ठ की, लिंगायत हिंदू धर्म अलग, हिंदू नहीं है, ऐसे वगैरह मुद्दे हैं, लेकिन विकास का मुद्दा इम्पोर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। हेल्थ के बारे में बात करें हम, उस यहाँ पे सिर्फ एक ही पब्लिक अस्पताल है बड़ा बेलगांव में, लोगों की समस्या क्या होती है? हमने सुना कि डायलिसिस सेंटर भी यहाँ पे बहुत कम है। ये सही है, लेकिन डायलिसिस पेशेंट बहुत है। एक केली बोल के बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें केली डायलिसिस होता है, और डायलिसिस के लिए नंबर लेना मांगता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है, उसके बाद डायलिसिस का प्रभाव। लेकिन ये हुआ वो निजी का अस्पताल है, पब्लिक अस्पताल में क्या सिचुएशन? पब्लिक हॉस्पिटल में इतना फैसिलिटीज नहीं है। ऐसा चल रहा है कि अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसके बारे में तो सिर्फ मस्जिद और जो टीपू सुल्तान के बारे में ज़्यादा बीजेपी वाले ध्यान दे रहे हैं, कांग्रेस वाले जब धर्म पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें भी पेशेंट जो है आते जाते हैं, रोजगार जो गरीब लोग हैं उनके पर कम ध्यान दे रहे हैं। सीमा विवाद के चलते यहाँ पर बहुत सारे जो समस्याएँ हैं वो समस्याएँ सुलझ नहीं पा रही है, और इसको सुलझाने के लिए लोग अभी इतना तक बोल रहे हैं कि सीमा विवाद एक तो आप हाँ बोलिए या ना बोलिए, लेकिन इसका हल निकालिए। और यही कारण है कि अगर सीमा विवाद, अगर इसका मसला अगर सुलझ जाता है तो बहुत सारी यहाँ पे जो इंडस्ट्री की काम है, इंडस्ट्री अगर आती है तो नौकरियाँ मिलेगी, नौकरियाँ मिलेगी तो जाहिर है कि इस जो इलाका है ये और भी विकसित होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चव्हाण के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, बेलगांव।